बीजेपी और आरएसएस को बहुजनों के लिए वक्त कहाँ है? हमारे बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाले हैं, ये कहाँ समझेंगे बहुजनों की पीड़ा को? और मैं तो चाहता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब का इतना योगदान है हमारे समाज के लिए, इनको भारत रत्न दिया जाना हमें चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी उनकी ट्वीट करते हैं, उनके एक ट्वीट करने से क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं, हर सभी को जयंती का मुबारक या शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बहुजन समाज के इतने बड़े संस्थापक माननीय कांशीराम जी की आज जयंती है और उनका एक भी ट्वीट नहीं आता है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर हर किसी पे ट्वीट करते हैं, क्या वो बहुजनों को किनारा कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुजनों के जो हमारा नेता होता है वो तो बहुजन का नेता हो जाता है या फिर पर्टिकुलर कास्ट का नेता हो जाता है, लेकिन इनका नेता जो होता है वो देश का नेता हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को थोड़ा पक्षपात किया जाता है। जिस तरीके से मानवर कांशीराम साहब हैं वो सिर्फ बहुजनों के नेता नहीं, पूरे देश के नेता थे, और मैं तो चाहता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब का इतना योगदान है हमारे समाज के लिए, इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और मानवर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी जो मुखिया हैं, इनको ट्वीट करके हमारे मानवर साहब को की जयंती पर शुभकामनाएँ देना चाहिए था। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी सर, आपका नाम क्या है? विनय रुकेट, सुप्रीम कोर्ट। विनय सर, आप ये बताइए कि मोदी जी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इतने बड़े बहुजन समाज के संस्थापक का जयंती है, उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया? वैसे तो तमाम ट्वीट हर मुद्दे पर करते हैं। बीजेपी और आरएसएस को बहुजनों के लिए वक्त कहाँ है? ट्वीट तो तब करेंगे ना, क्योंकि इन सब का उद्धार तब होगा तब ये ट्वीट करना शुरू कर दें, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके ट्वीट करने से हम कांशीराम जी की जयंती नहीं मनाएंगे। आज यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे हम लोगों ने लगभग 5 से 6 हज़ार की पब्लिक ने कांशीराम जी की जयंती भी मनाई, बाबा साहब को फूल अर्पण किए और कांशीराम जी को भी फूल अर्पण किए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जी उनकी ट्वीट करते हैं, उनके एक ट्वीट करने से क्या होगा? अब उन अगर वो ट्वीट नहीं करते हैं तो उनसे पता लग रहा है कि वो बहुजनों के लिए कितना सोचते हैं। कांशीराम जी ने यूपी गवर्नमेंट को एक सीएम जो 4 बार सीएम रह चुकी बहन मायावती जी, नहीं करते हैं तो उनसे पता लग रहा है कि वो बहुजनों के लिए कितना सोचते हैं, जैसा चेहरा दिया। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की विचारधारा पे चलने वाले हैं, ये कहाँ समझेंगे बहुजनों की पीड़ा को? तो मेरा मानना है उनके ट्वीट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।